अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो आज हम आपको लेके चलेंगे जी चाइना के लाइट मार्केट जो होता है, और जहाँ पे मिलते हैं अलग अलग न्यू डिज़ाइन के सैंडलिए, तो वहाँ लेके चलते हैं जी आपको और बताएंगे हमने कौन सा झूमर या फिर कौन से सैंडलिए हमने सेलेक्ट किया है और क्या क्या हुआ है इस मार्केट में और कैसी वेराइटियाँ थी। तो आप देख सकते हो, आगे आपको बताते हैं हम आपको। तो जी चलिए चलते हैं चाइना के लाइट मार्केट में। तो जी यहाँ पे बहुत सारी यूज़ वैरायटियाँ थी और अलग अलग तरीके के डिज़ाइन थे, और हमने कौन सा सिलेक्ट किया है वो भी अब आपको आगे आने वाले व्लॉग में पता चल ही जाएगा। और जी यहाँ पे अलग अलग तरह के मिरर भी थे जिनमें लाइट और डिज़ाइन वाले मिरर थे अलग अलग तरीके के, और साइड टेबल जो होती है हमारी उन पे रखने के लिए भी अलग अलग तरीके के सैंडलिए थे, और लाइट लैम्प थी, और ये था कुछ, ये गिटार था, ये भी काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था। और ये जो माला के आप सैंडलिए या फिर लाइट देख सकते हो, ये भी कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट में अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है, और अलग अलग तरीके की आपको साइड टेबल के लिए मिल जाएगी। और ये कुछ अलग यूनिक कॉन्सेप्ट में है, लाइट्स एंड सैंडलिए आप देख सकते हो, बहुत यूनिक वैरायटियां थी यहाँ पे, कुछ अलग एंड डिफरेंस। आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी आप इसे रख सकते हो, इस तरीके के घर का कोई भी एक कोना जिसे हमें कुछ अलग यूनिक डिज़ाइन बताना हो, तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके की लाइट्स एंड स्टैंड लाइट एंड अलग अलग तरीके के झूमर वगैरह सब चीज़ें थी यहाँ पे। बस हमें यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है और कौन सी चीज़ें लेनी है वो हमारे थीम के अकॉर्डिंग, हमारे हाउस के अकॉर्डिंग, हमारे ड्रीम हाउस के अकॉर्डिंग हम लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये भी कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट में था और ये भी कुछ अच्छा लग रहा है। बस बहुत सारी ऐसी ऐसी डिजाइनें थी, और किड्स रूम के लिए हम लोग इस तरीके का एस्ट्रोनॉट वाला लाइट स्टैंड हम लोग खरीद सकते हैं। तो बस बहुत सारी यूनिक वैरायटियां थी, कुछ ओल्ड थीम में थी, कुछ न्यू थीम में थी, और ये कुछ ओल्ड थीम में है, और ये जो फ्लावर पैटर्न है वो कुछ न्यू थीम में है। काफ़ी अच्छे लग रहे थे यहाँ के डिजाइन, और मुझे वर्टिकल में वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा लेंथ में थे कि मैं इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वीडियो को मैं नहीं बना सकती थी। जहाँ पे मुझे लगा कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैं वीडियो बना सकती हूँ, वहाँ पे मैंने बनाए। और आप देख सकते हैं यूनिक वैरायटियाँ और यूनिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सैंडलिए और झूमर लाइट्स सब तरीके की थी। तो आप देख सकते हो आउटडोर के लिए ही है ये, आउटडोर के लिए भी लाइटें काफ़ी यहाँ पे अच्छी थी। फुल ये मार्केट था और 6:30 को ये क्लोज़ हो जाता है, उससे पहले ही हमें यहाँ से परचेज करना है। तो ये सब आउटडोर के लिए है, आप देख सकते हो आउटडोर के लिए काफ़ी यूज़ एंड अच्छी वैरायटियाँ थी। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था, हर एक अलग अलग शॉप पे अलग अलग डिजाइंस आपको मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं आउटडोर लाइट्स, और इस तरीके के कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर में भी लाइट थी जो काफ़ी यूनिक एंड अच्छी लग रही थी। ट्री के साथ में भी कुछ हमें कुछ भी अटैच करके हम लगा सकते हैं आउटडोर के लिए, और ये भी ये लाइटें भी बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये आर्टिफिशियल प्लांट हैं, उनके साथ में कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेट करके रखा है, और कि काफ़ी अच्छी लगेगी नाइट में, तो कितनी ही अच्छी लगती होगी ये, और ये चेयर और ये आउटडोर कितना ही मस्त लगेगा। देखते हैं हम यहाँ से क्या परचेज करते हैं, हमें कौन से हम लोग हमारे डिजाइनर हमारे लिए सिलेक्ट करते हैं और हमें क्या पसंद आता है। और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये नाइट का सीन में, नाइट का अगर सीन हो, अगर हमारे घर के बाहर ये लगा हो तो इतना यूनिक कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बस ये हमें कि इसकी मेंटेनेंस हमें अच्छे से करनी होगी, बाकी तो हर चीज़ ऐसी है। आप देख सकते हो इतना बड़ा मार्केट है ये, बहुत ज़्यादा इवनिंग का टाइम हो चुका था और
आप देख सकते हो ये वाला, ये बटरफ्लाई वाला है और यहाँ पे अलग अलग तरह की यूज वैरायटियाँ हैं। बस इसी तरीके की न्यू न्यू डिजाइन थी यहाँ पे, बस हमें अपने होम के अकॉर्डिंग इन्हें सेलेक्ट करना है, अपने हाउस के थीम के अकॉर्डिंग, और फिर हमें इसे परचेज कर लेना है। काफ़ी अच्छी एंड यूनिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इस तरीके में भी काफ़ी हैंगिंग में भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ थी यहाँ पे, यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक डिज़ाइन। इजीली आप इस यहाँ से परचेज कर सकते हो, हाँ बार्गेनिंग करवा सकते हो आप अच्छे से, लेकिन एक लिमिटेड रेट में ही हम करवाएंगे आप, ज़्यादा वो हम इसे डीप में जाएंगे कि और प्राइस डिस्काउंट कर दिए तो फिर बहुत ज़्यादा भी वो लोग डिस्काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग तरह की वैरायटियाँ होती हैं, तो उसी हिसाब से हर चीज़ यूनिक का कॉन्सेप्ट है, अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट था कुछ, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये सब लाइट हमें। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा किस थीम के हिसाब से अकॉर्डिंगली हमें सेलेक्ट करना है। फाइनली पूरा दिन हमने यहाँ पे लाइट के शोरूम में बिताया, उसके बाद में हमने सेलेक्ट की है, तभी देखते हैं यहाँ से क्या परचेज़ करके लेके जाएंगे। और ये जो गिटार है वो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें टाइम भी बता रहे थे और सॉन्ग भी बज रहा था, और अलग यूनिक कॉन्सेप्ट था, ये न्यू था वहाँ पे, अलग अलग तरह की इसमें लाइट भी आ रही थी, जल रही थी, हर शॉप में अलग अलग तरह की वैरायटियाँ मिलेगी आपको, और लैम्प में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिक वैरायटियाँ थी। आप देख सकते हो यूनिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है लाइट में, सॉरी सैंडलिए में, स्टार एंड बटरफ्लाई एंड बीड्स के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है, ये फुल कवरेज होता है, हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी इसे करवा सकते हैं, हमें कितनी चाहिए इसमें, किस तरीके का फ्लेयर चाहिए, या फिर इसमें कम लाइट चाहिए, या फिर कम बटरफ्लाई चाहिए, या फिर इसमें बीड्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इनमें भी कलर है आते हैं अलग अलग तरीके के, शैम्पेन कलर हो गया, ये वाइट में भी है, ये तो अलग अलग तरीके के कलर में भी है ये बटरफ्लाई, और ये न्यू कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अभी मार्केट में चल रहा है, तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला कॉन्सेप्ट। और डीसी हमारे जो हैं ये इसे पजल की तरह सॉल्व कर रहे हैं, और ये भी कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये तो थोड़ा ओल्ड में है, और जी हमने सेलेक्ट कर लिया था, और ये फाइनल फ़ोटो है हमारी, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे न्यू है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आगे आने वाले हैं न्यू एंड मज़ेदार इंटरेस्टिंग चाइना विजिटिंग व्लॉग। और ये आज का व्लॉग लाइट के शोरूम में ही ख़त्म हो चुका था हमारा, लाइट जो हमारी सैंडलिए थे वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, और जब हमारा सैंडलिए कस्टमाइज होके आ जाएगा, सारे सामान चाइना से आ जाएंगे, तब आपको उनका रिव्यू दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट।